चंद्रयान 3 ने चांद पर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान ने अपने तय समय पर चांद की सतह पर लैंडिंग की। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। चंद्रयान 3 की सफलता पर हमारे संवाददाता ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत ने चंद्रयान 3 उतारकर इतिहास रच दिया है। बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी अभी तक ऐसा नहीं कर पाई थी और आज भारत ने जो इतिहास रचा है उससे पूरा देश गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे थे, इसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया। इस पूरे जो उपलब्धि रही भारत की, आज इसे किस तरीके से देखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, उनसे जानते हैं। सर, एक इतिहास रच दिया भारत ने, कैसे देखते हैं सर इस क्षण? बहुत बड़ी सफलता है ये और पूरा देश जो है वो बहुत ही उत्साहित है, पूरे देश के लोग बेहद उत्साहित हैं। ये बहुत ही गौरव का क्षण है हम सब के लिए और जो हमारे वैज्ञानिक है, हम सभी देशवासी उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा क्षण पूरे देश को दिया है कि आज मैं तो ये कहूँगा 140 करोड़ नहीं बल्कि 140 करोड़ के बाहर भी जो लोग हैं, जिनके बाप दादा भी पहले चले गए विदेश में, आज वो भी गर्व का क्षण महसूस कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को कहा था कि जो गुलामी की सोच है उसको उतार के फेंक दो एक तरफ, आज उसकी जिक्र करने की, उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है और आज देश आगे बढ़ रहा, तो वो मौका इतना जल्दी हमारे सामने आ जाएगा, इतनी हमने सोचा भी नहीं था कि तुरंत ही कुछ ही दिन के बाद ही एकदम भारत के सामने ऐसा शुभ अवसर आया। और पूरा देश जिस प्रकार से इसके साथ जुड़ा हुआ था, यानी कि अभी आपके एंकर ने किसी रास्ता चलते व्यक्ति से पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही चांद पे उतरने लग रहा, मतलब हर आदमी इतना उत्साहित है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा लक्षण है और पूरा देश जिस प्रकार से उत्साह में है। और मेरा ऐसा मानना है कि सफलता के लिए आदमी का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वही है। तो आज भारत का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा है और अगर वो इस प्रकार से सफलताएं मिलेंगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो निश्चित तौर से 21 सदी जो है ये हमारी सदी होगी और निश्चित तौर से हम देश के लिए और दुनिया के लिए काम करेंगे इसमें। सर, जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, महाशक्तियां नहीं कर पाई, रशिया, अमेरिका, चाइना नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिया, क्या लगता है अब इसके बाद अब भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा, सबकी निगाहें भारत की तरफ रहेगी, हालांकि मिशन मंगल भी पूरी तरीके से सक्सेस रहा? निश्चित तौर से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। जब अभी आप कोरोना में देखा ना, कोरोना में जो दो वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई ना, इससे देश का उत्साह भी बढ़ा और दुनिया में भी हमारी मान्यता बढ़ी, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये भी वो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अब ये करने के बाद निश्चित तौर से इससे और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। तो और मैं महसूस करता हूँ, जहाँ तक मुझे कुछ देशों में जाने का मौका मिला तो जिस प्रकार का उत्साह मैंने देखा, अपने लोगों में उत्साह देखा जो वहाँ रहते हैं और उसके साथ जो हमारे लोगों के प्रति सम्मान बढ़ा दुनिया का, तो हम देख रहे तो सफलता के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मतलब अगर आपने आगे बढ़ना, कुछ करना, तो इसके लिए अपना उत्साह और दुनिया में जो एक अपनी मान्यता बढ़े, सम्मान बढ़े, तो वो बहुत महत्व रखता है। आखिरी सवाल मेरा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इससे भी आगे बढ़ेंगे, सूरज की ओर, शुक्र की ओर, किस तरीके से? निश्चित तौर से माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ आई है और जिस प्रकार से वो, अगर हमारे से कोई गलती भी होती है, मतलब हमारे विज्ञानी या हमारे खिलाड़ी कहीं रहते हैं ना, तो उनका ध्यान एक खिलाड़ी के ऊपर भी होता है, एक विज्ञानी के ऊपर भी होता है। आज मैं उसी विज्ञानी को जो उस समय माने प्रधानमंत्री से मिले थे, उनके आंसू आए गए थे, तो मैं अभी देख रहा था जब टीवी पे, तो मुझे वो दिखाई दे रहे थे। तो माने प्रधानमंत्री जी उत्साह बढ़ाने का मतलब मंत्र है उनके पास, वो किसी भी परिस्थिति में होते हैं ना, तो जनता किसी परिस्थिति में हो तो वो निकालने के लिए उसका उत्साह बढ़ाएगा, नहीं हम इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। और ऐसा होता है कि जैसा वो सोचते हैं वैसे ही करके भी दिखाते हैं लोग, चाहे वो खिलाड़ी हैं। आपने देखा कि खिलाड़ी भी जब निराश हुए तो उन्होंने साथ बुलाया, बुलाया, बिठाया, खाना खाया, उनसे कहा कोई बात नहीं, हार गए क्या बात, अगली बार जीतेंगे, और जीत गए, सचमुच वैसे ही जीत गए जैसे प्रधानमंत्री सोचते थे। ऐसे ही उन्होंने इस प्रयोग पे भी, तब जब दूसरा वो मरा था और हम असफल रहे,
तो उन्होंने गले से लगा लिया वैज्ञानिकों ने, कोई बात नहीं क्या बात होगी, असफल होगी अगली बार सफल होंगे, और सचमुच में ही जैसा उन्होंने सोचा वैसे ही सफलता प्राप्त कर ली। तो प्रधानमंत्री तो कमाल है, वो जिस प्रकार से उत्साह बढ़ाते हैं हर व्यक्ति का, धन्यवाद। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं और जिस तरीके से ये इतिहास रचा है भारत ने उससे काफी खुश नजर आ रहे, साथ ही कह रहे कि पूरा देश खुश है, हर एक व्यक्ति भारत की इस उपलब्धि से खुश है और आने वाले समय में भारत और बड़े कीर्तिमान हासिल करेगा। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अलजिंदर के साथ अनिल दत्त सिंबा। चंद्रयान 3 ने चांद पर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान ने अपने तय समय पर चांद की सतह पर लैंडिंग की, वहीं सफल लैंडिंग के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। चंद्रयान 3 की सफलता पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, प्रत्येक भारतवासी का सीना गौरव से चौड़ा हो गया है और मैं इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, उन्होंने भारत की प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और इससे जो है चंद्र के ऊपर दक्षिण का जो क्षेत्र है वहां के जितने भी राज हैं वो खुलेंगे और सारी दुनिया को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके लिए मैं सारे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और इस क्षण के लिए करोड़ों करोड़ों आदमी इंतजार कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस एक्शन के लिए देखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों के संपर्क में थे और जिस तरह की मेंटरिंग, चाहे वो सेना का मामला हो, चाहे वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक का मामला हो, चाहे ये इसरो के वैज्ञानिक का मामला हो, हर प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ, हमारे वैज्ञानिकों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी साथ खड़े रहते हैं और इससे वैज्ञानिक को लगता है कि 140 करोड़ भारतवासी उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने ये अभूतपूर्व काम किया है। भारत की जो जनता इस एक्शन के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी और दुनिया के अंदर हमारी प्रतिभा का अब डंका बजेगा। भारत जो है इस तरह की चीज़ों का दूसरे देशों पर पहले निर्भर करता था, आयात करता था, आज दुनिया को भारत जानकारी देने वाला देश है, लेने वाला नहीं। टेक्निकली तौर पर सक्षम हो गए क्योंकि बड़ी-बड़ी जो महाशक्तियां सर वो भी ये भारत की, मैंने बताया आपको कि कोरोना के अंदर भी हमने स्वदेशी वैक्सीन बना करके, हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे सस्ती वैक्सीन बना करके दुनिया को दी, भारत के अलावा दूसरे देशों को भी दी और इसी तरह से जो चंद्रयान के द्वारा ऐसी जगह उसको उतार करके सफलतापूर्वक वहां के राज खोल करके दुनिया को नई जानकारी देने में सक्षम हो गया है।